फाइनल मेरा आपसे एक सवाल है कि महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था, राहुल या वर्धमान? ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ देता हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके कराने वाला हूँ। यार कि सपोज करिए, जैसे इंडिया के अंदर जो यू नो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है, ज्वालामुखी हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो याद आती जाएंगी वो मैं आपको बताते जाऊँगा। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ऑलमोस्ट आपके बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। एंड मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सवाल है आप सभी को कमेंट करना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में, सबसे छोटा बड़ा पहला कौन था, तो कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। आप मेरे साथ रिवीजन करते जाइएगा और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो था जिम कार्बेट नेशनल पार्क, और इससे पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936 के अंदर। ये नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर आता है। देता हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर एक प्लान स्टार्ट हुआ था 1973 के अंदर। उस प्लान में सबसे पहले जो नेशनल पार्क बनाया गया था वो हेली नेशनल पार्क था। अहिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो भी उत्तराखंड के अंदर ही है, चलेगा। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद, भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन, जो अंडमान एंड निकोबार में स्थित है, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है वो 10 डिग्री सीमा रेखा है। एंड अंडमान निकोबार के अंदर ही भारत की एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। मैं बात करता हूं कि भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है आपका लद्दाख के अंदर है हेमिस नेशनल पार्क, कमसिन लद्दाख। कर्नाटक के तीन बेस्ट जो प्रमुख है, इंपोर्टेंट है, उन्हें आप याद रखिएगा, नागरहोल, बन्नेरघट्टा एंड बांदीपुर। ये नेशनल पार्क है तीन जो सबसे फेमस है कर्नाटक के अंदर। मैं बात करता हूँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे फेमस जो टेंपल है, जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, ये मीनाक्षी जो मंदिर है वो तमिलनाडु में है। ये बैगई नदी के किनारे पर है, मदुरई तमिलनाडु के अंदर ये टेंपल जो है वो स्थित है। और याद रखिएगा, साउथ जो इंडिया है इसमें जो भी ज़्यादातर जितने भी मंदिर होते हैं ना, वो सब द्रवण शैली में ही इनको बनाया गया है, तो इस चीज को भी आप याद रखेगा। कामाख्या माता का मंदिर असम के अंदर है, असम की राजधानी है दिसपुर। और याद रखिएगा, असम के अंदर दो नेशनल पार्क बहुत बेस्ट हैं, काजीरंगा एंड मानस। काजीरंगा के अंदर ही एक सींग वाला जो असम का यू नो राजकीय जो पशु है वो एक सींग वाला गैंडा है, जो कि असम के अंदर है। अब मैं बात करता हूं आगे और भी बहुत सारे, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा के अंदर है, और याद रखिए ये सौर ऊर्जा से चलने वाला 100% सौर ऊर्जा ही इसमें इस्तेमाल होती है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है। इसे ब्लैक पैंगोडा भी बोला जाता है। गंगवंश के नरसिंहदेव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। मैं बात करता हूँ अंकोर वाट का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है, ये कंबोडिया में है, और कंबोडिया में ये भगवान विष्णु जी का, भारत के बाहर अगर कोई मंदिर है हिंदुओं के प्रति, तो वो सबसे बड़ा मंदिर यही है, ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। क्या मुझे बता सकते हैं कि कंबोडिया की कैपिटल क्या है, कंबोडिया में कौन सी मुद्रा चलती है? करता हूं सबरीमाला का मंदिर जो केरल में है। ये जो मंदिर है वो लॉर्ड अयप्पा भगवान के लिए समर्पित है। तो याद रखिए, जैसे अभी पता होगा ना, पहले इसमें स्त्रियों का जाना प्रवेश जो था वो वर्जित था, लेकिन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसमें कहा गया था कि इसमें महिलाएं भी प्रवेश कर सकती। अब मैं बात करता हूँ जगन्नाथ का मंदिर। याद रखिएगा, जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ भगवान का मंदिर है पुरी के अंदर और उड़ीसा के अंदर। खजुराहो के मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है खजुराहो के मंदिर। एंड इन मंदिरों को चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये राजस्थान के माउंट आबू सिरोही क्षेत्र में स्थित है। अब मैं बात करता हूँ ज्वालामुखी के बारे में। जैसे मैंने आपको, जब मैं अंडमान निकोबार की बात कर रहा था, तो उसी टाइम पर मैंने कहा था ज्वालामुखी से भी मैं रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट बता दूंगा। जैसे कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर के अंदर है, एटना ज्वालामुखी है ये इटली के अंदर है, एटना और विसुबियस जो ज्वालामुखी है ये इटली के अंदर आती है, स्ट्रांबोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है ये भी इटली के अंदर ही आती है। फर्स्ट टाइम जब मैं अपने शिप से
और हम इटली के साइड में जा रहे थे, तो पहली बार ये हमने एक पता है आयरलैंड पर बना हुआ ज्वालामुखी है, यानी कि जब आप समुद्र में जाते हो ना भाई, तो ये आपको काफी नॉटिकल माइल से ही आपको ये जो यू नो स्ट्रैम्बोली है, ये अलग से ये ज्वालामुखी दिखती है और ऐसा लगता है किसी ने बल्ब जला रखा हो, आग लग रही हो समुद्र के अंदर। करता हूँ क्लीम मंजारो ज्वालामुखी जो कि अफ्रीका के अंदर है, तंजानी। बात करता हूँ कुछ दर्रों के बारे में। आपको मैंने ज्वालामुखी बता दिया, अब मैं दर्रे बताऊंगा, नेशनल पार्क आपको बता दिए थे। पहले आता है रोहतांग दर्रा। आपको याद होना चाहिए रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, एंड रोहतांग दर्रे में ही अटल सुरंग बनी हुई है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। शिपकला दर्रा, आपको पता है शिपकला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है और इसी दर्रे के माध्यम से सतलुज जो नदी है वो हमारे भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश के लिपुलेख दर्रा एंड शिपकला दर्रा रखिएगा। नाथुला दर्रा, नाथुला पास आपने सुना होगा खूब, ये सिक्किम के अंदर आता है। और एक और फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा कि पहले कैलाश मानसरोवर जो यात्रा थी वो नाथुला दर्रा से ही निकल करके जाती थी, पता है ना आपको। और है बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रा, देखिएगा सिक्किम के अंदर नाथुला जो दर्रा था उससे अब यात्रा नहीं जाती है, अब लिपुलेख दर्रा से होकर के जाती है। लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड के अंदर आता है और अब जो मानसरोवर यात्रा जाती है वो लिपुलेख दर्रा के माध्यम से ही जाती है। आपको पता होगा ना बीआरओ ने रोड बना दी थी और नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में मतभेद हो गया था। एक और चीज याद रखिए, उत्तराखंड में ही नीति पास है, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही आता है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैन। याद रखिए काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख के अंदर आता है। जोजला दर्रा जो होता है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। आपको आपको पता है बनिहाल दर्रा कहां पर है? देखिए बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है और इसी दर्रे में जवाहर सुरंग बनाई गई है जो कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने का काम करती है। अब ये दर्रों से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे, जो फैक्ट थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं देखिए बात करता हूँ न्यूटन के तीनों नियमों को आपको एक साथ बता देता हूँ। देखिए ये फैक्ट आपको जनरली याद होनी चाहिए, ठीक है, रिविजन करेंगे बार बार लिखने से तो सारी चीजें याद हो जाती। न्यूटन जो होती है वो बल की इकाई होती है। अब न्यूटन के आप तीनों नियमों को याद रखिएगा। सबसे पहले न्यूटन का पहला नियम होता है जड़त्व का नियम, यानी कि ऐसा रूल जिसमें जड़ आपकी हिल जाए। सपोज करिएगा बस में जो यात्री होते हैं, बस अचानक से रुक जाती है तो यात्री भी आगे की तरफ झुक जाते हैं, राइट, वो जड़त्व का पहला नियम यानी कि न्यूटन का पहला नियम होता है। न्यूटन का सेकंड नियम होता है संवेग का नियम, यानी कि जब क्रिकेट होता है और उसमें बॉल, आपको पता है बॉल जैसे ही सामने से आती है तो वो हाथ पीछे की तरफ कर दिए जाते हैं, तो ये न्यूटन का सेकंड नियम होता है। न्यूटन का थर्ड नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपको पता है रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना, ये होता है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। आपको कुछ मीटर बता देता हूँ, मापने के लिए काम आते हैं जनरली। आपको मैं बता दूं, जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो हाइग्रोमीटर होता है, लेकिन दाब को मापने के लिए बैरोमीटर होता है। देखिएगा भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है और रक्तदाब यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कि हंसने वाली गैस को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एंड इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। और याद रखे एक और फैक्ट मुझे याद आ गया, जो हाइड्रोजन होता है ना इसे आवारा तत्व बोलते हैं आवर्त सारणी के अंदर, क्योंकि इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है इसलिए ये कहीं पर भी आ जा सकता है, इसलिए हम इसे आवारा तत्व। अब मैं आपको कुछ कल्चर्स के बारे में बात करता हूं, जैसे सेरिकल्चर किसे बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं, एपिकल्चर किसे बोलते हैं, बर्मी कल्चर किसे बोलते हैं। देखिएगा बर्मी कल्चर, बर्मी मतलब केंचुआ से संबंध होता है, एपिकल्चर होता है मधुमक्खियों के पालन से, हॉर्टिकल्चर होता है बागवानियों से संबंधित होता है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से। तो ये कल्चर है जिनको आपको याद करना होगा। अच्छा एक फैक्ट और याद आ गया, याद रखेगा कि कमरे के तापमान पर ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है, तो वो ब्रोमीन होती है। लेकिन धातु की अगर बात करें कि कमरे के तापमान पर ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है, वो होती है पारा HG मरकरी, लेकिन अधातु की बात करें तो वो ब्रोमीन होती है। इस फैक्ट को आप याद रखें। अब मैं बात करता हूं कि क्वाशियोरकर और मेरास्मस जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है, तो इस फैक्ट को आप याद रखना, वो प्रोटीन की कमी से होती है। क्या आपको पता है कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? वो विटामिन ए की कमी से होता है, एंड विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल।
विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, जिसकी कमी से बेरीबेरी रोग होता है। और याद रखिएगा, जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल का ही बहुलक होता है। मैं आपको कुछ जैन तीर्थंकरों के बारे में बताता हूँ, पूरा डिटेल इस वीडियो में, एकदम मजा आ जाएगा आपको, फुल रिवीजन हो जाएगा। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल सकता, बिकॉज आपके कमेंट होते हैं, सर आप रिवीजन यदि करा रहे हैं तो कम से कम धीरे धीरे आप बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन्हीं को हम आदिनाथ बोलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ही सांपों का देवता, इन्हीं को बोला जाता है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और याद रखिएगा, जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी जी को ही बोला जाता है। अब मैं बात करता हूँ हमारे वर्ल्ड के अंदर जो घास के मैदान हैं, जो कई बार रिपीट होते हैं, ज्यादा नहीं, बस 5-6 आपको याद कर लेने, वही मुझे याद है, वही मैं आपको जो है बताता हूँ। क्या आपको पता है प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर हैं? तो याद रखिएगा, वो है उत्तरी अमेरिका। डाउंस घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बेल्स घास के मैदान है दक्षिणी अफ्रीका। सवाना घास के मैदान है अफ्रीका। पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना। तो कंपास घास के मैदान कहाँ पर है? पता है क्या? वो ब्राजील के अंदर। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि लानोस घास के मैदान कहाँ पर है? वो है वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, तो ये जो घास के मैदान है, इन्हें आप हल्का हल्का याद रखिएगा, आपके पेपर में आते हैं। आपके लिए एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि वो कौन सा वन है जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा अमेज़न के वन। इसरो और DRDO के बारे में तो हम जल्दी से इसको हम याद कर लेते हैं। देखिएगा, इसरो जो होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये आपका बेंगलुरु के अंदर आता है। वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवान, जिनको बॉर्न कर्मन अवार्ड मिला था। तो अब मैं बात करता हूँ DRDO के बारे में, तो 2-3 चीजों को याद रखिएगा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। एंड DRDO, डी से स्टार्ट है, मतलब दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होगा। एंड वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी साहब। राइट, इस चीज को आप थोड़ा थोड़ा याद रखें। और अब मैं फाइनली, बस ये लास्ट सवाल है, मैं कुछ घटनाओं के बारे में आपको जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं। जैसे 1919 के अंदर याद होगा, 13 अप्रैल 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये अमृतसर पंजाब के अंदर ये यू नो कांड हुआ था। इसी में आपको पता होगा, ना दलील ना अपील का जो है इसे काला कानून कहा गया था। जब अमृतसर का जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। मैं बात करता हूँ 1920 के बारे में, तो 1920 आपको याद होना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, और 1920 में ही इस आंदोलन स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक, हम बात करते हैं 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर पुलिस वालों को थानों में जला दिया था। तो उसके बाद से फिर गांधी जी बड़े आहत थे, क्योंकि वो अहिंसा को लेकर के चल रहे थे। तो उन्होंने फिर अपना जो असहयोग आंदोलन 1920 में जो शुरुआत किया था उसे बंद कर दिया। अब मैं बात करता हूँ 1923 के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1923 में ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किस किस ने की थी? दो थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। याद रखना, सीआर दास को ही दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। तो आज के वीडियो को बस हम यही रोकते हैं। आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पूरा उम्मीद था, बिकॉज मैंने हर टॉपिक वाइज आपको रिविजन करवा दिया। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सच में आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप सोच रहे होंगे, सर आपने चश्मा क्यों नहीं पहना? बिकॉज कल मुझे कुछ कमेंट आए थे और उनमें लिखा हुआ था कि सर आप चश्मा पहनते हैं तो वो ठीक नहीं है, और आप अगर सक्षम हैं तो आप विदाउट चश्मा एक वीडियो बना करके दिखाइएगा। बेसिकली देखिएगा, मुझे चश्मा कोई शौक नहीं है, मेरा रियल बताऊँ तो मेरा कोई शौक ही नहीं है, चश्मा ही नहीं, कोई शौक नहीं है। बस बेसिकली मुझे थोड़ा धूप से और ये बड़ा एलर्जी होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब चश्मा होता है तो मैं एकदम प्रोटेक्टिव फील करता हूँ, पब्लिक हो या फिर मैं अकेला हूँ, तो इस वजह से बस मैं चश्मा लगाता हूँ, बाकी मेरा सर कोई शौक नहीं है। चलेगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, सच में आपका वेलकम है यार। और अच्छे कमेंट्स आप देख लीजिएगा, ये आप देखिए।